आर यू कंफर्टेबल? मैं तो हूँ, तुम बताओ, सोच लो आराम से, आई डोंट माइंड, बहुत वक्त है मेरे पास। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द कैमरा। मैं खुद बताऊं, हाथ में रिपोर्ट, टीवी पे न्यूज़ है, मेरे बारे में सबको पता है, उसके बाद भी तुम मुझसे पूछ रही हो मैं कौन? ठीक, तुम्हारी तसल्ली के लिए एक बार बता दे, तुम नाम है साहिल और बचपन से ही ना मुझे रवीना, करिश्मा जैसी सुंदर सुंदर हीरोइनों का हीरो था, लेकिन साली ना तो जिंदगी रंगीन बनी ना रवीना मिली। आपकी बुरी लाइफ स्टोरी सुनाओ, पूछो आगे। क्या तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? क्या किया मैंने? मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, सेक्स से तो किया है, पर सेक्स कोई गुनाह नहीं होता। क्या तुम्हें अंदाजा भी है बिना किसी के मर्जी के उसके साथ जबरदस्ती करना रेप कहलाता है? रेप? अच्छा, लेकिन मैंने तो सेक्स किया है। हाँ, और वैसे भी ना लड़कियों को फोर्स सेक्स बहुत पसंद है, यू नो व्हाट आई मीन, दे लाइक इट रफ। अगर सेक्स ही करना था तो पैसे देकर कर लेते। मेहनत मैं करूं, मजे वो ले, और पैसे भी मैं ही दूं, नॉट फेयर। और वैसे भी ना मुझे अच्छी लड़कियां ही पसंद हैं। अच्छा, और तुम्हारे हिसाब से अच्छी लड़कियां कौन है? जिनमें संस्कार हो, जो बात माने, इसकी चाल अच्छी हो, और सबसे जरूरी बात, जिससे मेरे सेक्स का मकसद भी पूरा हो जाए और मुझे पैसे भी ना देने पड़े। तो तुम ये सिर्फ मजे के लिए करते हो? अरे नहीं नहीं ये तो मेरे हर मर्ज का इलाज है, चाहे मजे करने हो या गुस्सा निकालना हो, ये मेरे सारे जख्मों की दवा है। और तुमने इस लड़की का रेप क्यों किया? आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे किसी और का करना चाहिए था। और ये रेप रेप क्या लगा रखा है? हाँ, मन बहुत था यार, वो दिख गई एकदम चिकनी सी। हाँ, अब हूं तो मैं लड़का ही, फिसल गया और कर दिया। Were you under the influence of drugs or alcohol when you raped her? देखिए मैडम, ये सब ना कहने की बातें होती हैं कि शराब पी के रेप हो गया या नशे में रेप हो गए वगैरह वगैरह। नशे में सच बताऊं तो खड़ा तक नहीं हो पाता, लड़की के साथ जबरदस्ती तो बहुत दूर की बात है, पर सेक्स करना था तो कर लिया, इसमें मेरे जैसे को बहानों की जरूरत नहीं होती है। Tell me. Do you think the girls who go out in the night wearing short clothes, they're asking for sex? जो अच्छे घर की लड़कियां हैं ना, जिन्हें पता है उनकी जगह कहाँ है, किससे कितना डर के रहना है, वो बाहर नहीं घूमती। और तुम घूम सकते हो? हाँ बिल्कुल, रात में नहीं घूमेंगे तो कब घूमेंगे? कोई ट्रैफिक रूल्स का झंझट नहीं, खाली सड़कें, और सबसे खास बात, छोटे कपड़े वाली भंड लड़की। और वैसे भी ना
रात में ही अय्याशी होती। और जो तुम्हारे घर में माँ बहन है उनका क्या? उनका क्या? हाँ उनका क्या, माँ ने पैदा होने के बाद जरूरतें पूरी कर दी और पढ़ाई में बहन ने मदद कर दी। अब जो जरूरतें माँ और बहन दोनों पूरा नहीं कर सकती उसके लिए कोई तो चाहिए थी ना, ढूंढ ली। तुम्हें ये सब करने में बिल्कुल भी डर नहीं लगा? अरे हद है, मजे लेने में कौन साला डरता है, इसे करना होता है ना वो कर लेते। तो समझे, मेरे जैसे और भी होंगे आपके आसपास, तो देखो सोचो और समझो।